स्टूडेंट्स, आई एम आरती फ्रॉम चौधरी कंप्यूटर्स एंड कमर्शियल कॉलेज। आज की सीरीज में हम यूज करना सीखेंगे डिफाइन नेम ऑप्शन का, कि एक्सेल में ये वर्क कैसे करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डेटा क्रिएट किया हुआ जिसमें स्टूडेंट की नेम है और उसके बाद यहाँ पर मैंने मेंशन किए सब्जेक्ट वाइज उनके मार्क्स। अगर मैंने चेक करना है कि मैथ सब्जेक्ट में जो है हाईएस्ट नंबर कितने हैं और इंग्लिश में मिनिमम नंबर कितने हैं और हिंदी में अपने नंबर्स कितने की लिखे हैं, इसको काउंट करके देखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं फंक्शन अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने अप्लाई किया यहाँ पर मैग फंक्शन और उसके बाद मुझे सिलेक्शन करना होगा उस एरिया को जिसमें से आपने मैक्सिमम नंबर जो चेक करना है और ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे एंटर, तो आप देख सकते हैं आपकी जो मैक्सिमम नंबर होगी आपको यहाँ पर शो कर देगी। एज इट इज अगर आपने इंग्लिश में से मिनिमम वैल्यू चेक करनी है तो आप मिन का फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी कि आपको फंक्शन बार बार सिलेक्ट करके अप्लाई करना पड़ रहा है। सो अगर ऐसी कोई ट्रिक मिल जाए कि आपको बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े, इजीली आप इसको फॉर्मूला जो है इजीली आप अप्लाई करके देख सकें, तो वो ट्रिक है आपकी डिफाइन नेम, यानी कि हम इन एरिया को एक स्पेसिफिक नेम से डिफाइन कर देते हैं ताकि क्या होगा, आपको बार बार जो रो की सिलेक्शन करनी पड़ रही है, कॉलम की सिलेक्शन करनी पड़ रही है, वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे अप्लाई होगा ये। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी एरिया को, जिस भी कॉलम को आपने नेम देना है, डिफाइन करना है उस नेम को, तो आप उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने चेक करना है इंग्लिश के नेम को, मैंने न्यू नेम से डिफाइन करना है, तो आप इंग्लिश वाली कॉलम जो पूरी सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे डिफाइन नेम पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंग्लिश का जो प्रॉपर नेम शो कर दिया है और कमेंट में मैं कुछ फिलहाल नहीं लिखती, स्किप कर दी उसको, मैं बस नेम शो कर दिया, आप इसको कर सकते हैं ओके। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे आप कोई भी फंक्शन इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने चेक करना है इसका मैक्सिमम नंबर, और आप यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे इंग्लिश, यानी कि ENG जो हमारी शॉर्ट फॉर्म थी वही आप लिखेंगे यहाँ पर, तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो आपको इंग्लिश में से जो भी आपके मैक्सिमम नंबर होंगे आपको शो करके दिखा देगा। एज इट इज अगर आपने यहाँ पे चेक करना है इंग्लिश में से ही मीन फंक्शन लगा के मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, तो आप अगेन यहाँ पर इंग्लिश का जो शॉर्ट फॉर्म हमने लिया था डिफाइन के टाइम ENG उसको लिख के एंटर कर देंगे, तो आपको यहाँ पर जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो भी शो करके दिखा देगा। ये तो हो गया वन बाय वन कॉलम्स के लिए, लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस ऐसे कि आपने कुछ ऐसे ट्रिक हो कि सभी जो कॉलम्स बने वो ऑटोमेटिकली डिफाइन नेम से कन्वर्ट हो जाए और हमको बार बार इनको वन वन रो सेलेक्ट ना करनी पड़े, क्योंकि वन वन अगर हम कॉलम उस रो सेलेक्ट करते हैं तो भी उतना ही टाइम वेस्ट होता है। सो इसकी भी एक ट्रिक है सेम एज अ टेज, हम क्या करेंगे जिस भी एरिया को हमें डिफाइन करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद क्योंकि हम काफ़ी सारे एरिया डिफाइन करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं ऑप्शंस आ रहे होंगे, क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज इन द, यानी कि आपने जो नेम कर देना है डिफाइन नेम करना है वो किस सेशन को करना है, यानी कि टॉप रो को करना है, लेफ्ट कॉलम को, बॉटम रो को, या फिर राइट कॉलम को करना है। तो रिक्वायरमेंट मेरी क्या है कि मैंने सब्जेक्ट को करना है जो कि किसमें है टॉप रो में है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो टिक किया है वो टॉप रो को ही किया है। आपने कुछ नहीं करना, जैसे उस पर क्लिक करना ओके करके, तो आप देख सकते हैं रिप्लेस एक्सिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश, तो ऑफकोर्स जैसे हमने इंग्लिश के एडजस्ट किया था उसको यस कर देना, क्योंकि मैंने इंग्लिश इसमें रिप्लेस करना है, दैट्स वाई यस। सो हमें पता कैसे चलेगा कि ये डिफाइन नेम में ऐड हुए कि नहीं हुए, दो तरीके हैं इसको देखने के। एक तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं नेम बॉक्स में जाके, तो आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के जो नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं। सेकेंड वे है हमारे पास नेम मैनेजर में जाके हम चेक कर सकते हैं कि जो जो आपने सब्जेक्ट्स लिए थे वो सभी के सभी यहाँ पर डिफाइन होके शो कर सकते हैं। सो आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं, डिफाइन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इसमें कोई भी हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। जैसे कि मैं यहाँ पे सम करना चाहती हूँ फिजिक्स के मार्क्स, यानी फिजिक्स के जितने ही मार्क्स है मैंने उसका एडिशन करना है, टोटल करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इक्वल टू सम फंक्शन अप्लाई करना है और ब्रैकेट के अंदर कोई सीरीज नहीं सिलेक्ट करनी, आपने जो फिजिक्स की मेन हेडिंग आपने लिखी हुई है यहाँ पर उस हेडिंग को आपने लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स के जो कंप्लीट एडिशन है वो आपको यहाँ पर शो कर देगी। एज वेल मैंने मैथ्स के मिनिमम नंबर चेक करने हैं कि मैथ्स में मिनिमम नंबर क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बस फंक्शन अप्लाई करेंगे मिन का और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे मैथ्स और ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर करेंगे तो मैथ सब्जेक्ट में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी आपको यहाँ पर जो है इजीली शो करके दिखा सकती है। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने एरिया डिफाइन किया उनमें से आपने किसी भी सब्जेक्ट को आपने रिमूव करना है जो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप वो नेम मैनेजर में जाके रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए इंग्लिश में है, जैसे कि अगर मैंने इसका नेम मॉडिफाई करना है या फिर कोई नया नाम देना है, तो आप न्यू पे जाके न्यू नेम दे सकते हैं, एडिट पे जाके इस नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको डिफाइन नेम में से इसकी लिस्ट हटानी है, तो आप डिलीट पे जाके
इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डिफाइंड नेम में जो इसकी लिस्ट है यहाँ से हट जाएगी, यानी कि अब अगर आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन अप्लाई करोगे और ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश लिखोगे तो वो आपको शो नहीं करेगा। होप सो आपको डिफाइन नेम का यूज इजिली पता चल गया होगा, इस ऑप्शन का यूज करना। तो आप प्रैक्टिस करके जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।